एक और क्वेस्ट में जाकर देखते हैं इस बार चिंकियों के साथ। लॉन्ग स्वॉर्ड बहुत खेल लिया मैंने, चार्ज ब्लेड खेलूंगा इस बार फेटालिस का, देख ही सकते हो इसका डिज़ाइन। और क्वेस्ट का नाम है V3 किंग्स, जिसमें तीन तीन एल्डर ड्रैगन एक ही अरीना में आते हैं। शायद यूनिकॉर्न वाला आता है, टियोस्ट्रा आता है और कुशाला डाओरा। सबसे ज़्यादा एनोइंग कुशाला डाओरा का ही फाइट होने वाला है जितना मेरे को लगता है। मेरे नाम को लेकर के वो लोग पंच मार रहे हैं। एनीवेज चलो, सबसे पहले तो इसको मुझे करना है टेंडराइज। नाइस, बढ़िया डॉज था। अरे नाइस डॉज, टेम्पोरल मेंटल ले बचा लिया उस बार। बढ़िया, सेवेज एक्ट शुरू है। बढ़िया हेडशॉट था वो, डबल डॉज। लग जा लग जा लग जा प्लीज। नाइस, गलत जगह पे उसने फ्री शॉट दिया, शायद कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसका एनिमेशन का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा है, इतने के बीच में मॉन्स्टर हट ही जा रहा है वहां से। अभी सही मौका है, थोड़ा डिस्टेंस। बढ़िया, नाइस, शुरू। ओके, नेक्स्ट मुझे लगता है कुशाला डाओरा का फाइट होने वाला है, कुशाला डाओरा या फिर टियोस्ट्रा का, मुझे नहीं पता अगला मॉन्स्टर कौन सा है, बट चार्ज ब्लेड सही वेपन नहीं रहेगा उसके लिए। तो क्योंकि अभी एग्रो ख़त्म है, मैं लोकेशन पे जाके फिर से वेपन चेंज कर सकता हूँ। तो मैप मैंने ओपन किया, नाइस। और अगर कुशाला डाओरा है तो उसके लिए इंसेक्ट ग्लेव से बेटर कोई वेपन नहीं है, एटलीस्ट मेरे ख्याल से। सबसे ज़्यादा टाइम हवा में रहने वाला वही ड्रैगन है, और सबसे ज़्यादा एनोइंग एल्डर ड्रैगन भी वही है, क्योंकि उसके अटैक्स कुछ ज़्यादा खतरनाक होते नहीं है, लेकिन उसके पैसिव बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो हवा में रुक गया और उसके इर्द गिर्द क्या कहते हैं, हवा का एक कोई तभी शील्ड्स टाइप का बन के आ जाता है,
और जो पेनिट्रेट नहीं हो सकता, कुशाल अरोरा ऑफकोर्स। इंसेक्ट को भी चार्ज कर, अरे यार रुक जा भाई लॉन्ग शॉट वाले, यही है कुशाल डावर का जो मुझे सबसे ज्यादा एनोइंग लगता है। अब मैं उस भवंडर में भी नहीं जा सकता, ब्रेक मिला है किसी को तो भी नहीं। इसके ऊपर सवार होने की, वही आ गया इसके ऊपर हवा का शील्ड। बढ़िया डॉज था वो, बढ़िया मेरा कैरेक्टर बोल रहा है द स्टॉर्म दैट इज अप्रोचिंग। नाइस, हेड पे अटैक करूंगा मैक्सिमम डैमेज के लिए। ड्राइव कर दिया, नहीं गलत टाइमिंग। अरे यार बढ़िया, शॉट ना नॉट बैड, बढ़िया शॉट, कतई खड़ मची हुई है यहाँ पर, चार पांच प्लेयर एक साथ। नाइस, बड़ी स्टाइलिश तरीके से खत्म किया है इस बंदे। चलो ये हो गया अभी आने वाले टेओस्ट्रा का फाइट, और टेओस्ट्रा के फाइट के लिए मैं फिर से ला रहा हूँ अपना लॉन्ग स्वॉर्ड। मौसम को कार्व करने की ज़रूरत है नहीं मेरे को, क्योंकि कुशाल अडवार के ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल चुकी है मुझे। वैसे कहने के लिए तो फेटालिस के भी हर चीज़ मिल चुके हैं, लेकिन उसको कार्व करने में मज़ा भी आता है। बट ठीक है, ओके टेओस्ट्रा की बारी। बैलिस्टा एमो तो उठा लिया है मैंने, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला, कोई फ़ायदा है नहीं वैसे, क्योंकि एल्डर ड्रैगन्स पर ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा काम आएंगी नहीं। हाँ, उनको अगर बैलिस्टा एमो से क्या कहते हैं कहीं पर बांध के रख सके तो वो काफ़ी बेटर है।
शरीर को काटते काटते उसका शरीर गायब हो गया। खैर ओके डेओस्ट्रा। मैंने हाथ पर मतलब क्या कहते हैं नाइस देख ही सकते हो मेरा ट्रिक ट्रिक कितना कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। मुझे लगता है मैं इसको एक और बार वॉल बैंक दे सकता हूँ, उसी की कोशिश करूंगा। पत्थर मिल चुका है मेरे को। नहीं यार पैसिव डैमेज इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है। बढ़िया एक फोर साइट मिला। अरे रुक जा भाई, पीछे क्यों हूँ मॉन्स्टर के। बढ़िया नॉट बैड देवस्त्रा, नॉट बैड। अरे ज़्यादा ही एक्साइट हो गया था मैं उधर पे। एजिटेटर अभी चालू हुआ। अच्छा एजिटेटर अभी ख़त्म हुआ, तो एक बार मैं फिर से एजिटेट कर सकता हूँ। बस सर पे एक बार एम करना है। नॉट बैड, लगेगा नाइस। कोई तो भी मरा। बुरा मूव। ब्लास्ट ब्लाइट लगा हुआ था मेरे पे। अरे रुक जा टेओस्ट्रा, नाइस। बढ़िया। खैर हंट ज्यादा बुरा नहीं था।
बंदा मेरे को मैक्सिकन स्टेयर डाउन में लेके जा रहा है और दूसरा बंदा मेरे को लॉन्ग स्वॉर्ड में मारे पड़ा है। नॉट बैड। गोल्डन अंडा, वीआईपी सिजलिंग स्पाइस टिकट और बाकी मॉन्स्टर पार्ट्स। नाइस। तो यार आज का हंट यही ख़त्म। एक और हंट में मैं तुम्हें फिर से मिलूँगा।